हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दिस सॉल्यूशन की सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो है टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको पार्टिकल साइज के बेसिस पे, ठीक है, और उसके बाद कंपोनेंट या फिर कंपोजिशन के बेसिस पे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन यानी संगठन के बेसिस पे बताया था सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। एक मैंने स्टार्ट किया था आपको पार्टिकल साइज, बेटा पार्टिकल साइज के बेसिस पे मैंने क्या बताया था कि जिसका जिसमें क्या होता है पार्टिकल साइज अगर 10^-7 सेंटीमीटर से कम है तो वह ट्रू सॉल्यूशन है, ज्यादा है तो स्यूडो है। उसके बाद बाइनरी टर्नरी क्वार्टरनरी बताया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोनेंट्स के बेसिस पे कि बेटा अगर क्या है कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे हमने क्या किया चीनी पानी मिला लिया, ठीक है, शुगर प्लस जो है वाटर मिला लिया, तो क्या है दो ही चीज है तो बाइनरी सॉल्यूशन है, तीन चीजों से मिलकर बना है तो टर्नरी है, और अगर चार है तो उसमें क्या है चार कंपोनेंट्स है तो क्या हो क्वार्टरनरी होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां पे आए थे, मैंने आपको बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, ठीक है, ये अपनी रिकैपिंग होगी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब मैं समझाता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संगठन कहते हैं इसे, ठीक है, संगठन के आधार पर जो सॉल्यूशन होता है वह टू टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसको कहते हैं समांगी और ये होता है विषमांगी, ठीक है। तो एक डिफिनेशन मैंने कल बताई थी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यह उसका एक रियल डिफिनेशन नहीं माना जाता है, बेटा रीजन है, जैसे अभी हम कहते हैं क्या चीनी पानी का एक घोल क्या होमोजीनियस है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। सपोज करिए बेटा हमने चीनी पानी को घोला, ठीक है, अब अगर क्या है घोलने के बाद उसमें कहीं पर भी नीचे चीनी का अमाउंट अगर ज्यादा है तो क्या हम कह सकते हैं कि वह एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज नॉट फेयर, बेटा ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर नहीं, ये है ही नहीं, यह अभी भी कैसा है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे बुक्स में मैं बताया आपको कि ऐसे पढ़ाया जाता है क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा एक दूसरे में अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड ए होमोजेनियस सोल्यूशन और मिक्सचर, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस वो है जिसमें क्या होता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। मैंने बोला था कि इसकी आज अपन एक मॉडिफाइड डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है, तो देखेंगे ये होमोजीनियस क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन को। जैसे मैंने क्या किया, एक मैंने कोई भी वेसल ले लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया यहाँ पे मैंने वाटर को फिल कर दिया, इसमें क्या है वाटर, इसमें मैंने क्या किए कुछ जो है पार्टिकल किसके डाल दिए, चीनी के शुगर के पार्टिकल डाल दिए, ये क्या है शुगर, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए गए। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है, कहते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होता है, संगठन के बेसिस पे होता है, ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके ईच एंड एवरी पार्ट में क्या कहते हैं ईच एंड एवरी पार्ट में क्या हो कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कल सिखाया था कैसे पहचानते हैं, ठीक है, तो अगर ये हम इसको घोल रहे हैं शरबत बनाने से सिंपल सी बात है ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट, ओके, ठीक है। अब क्या है कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके ईच एंड एवरी पार्ट में क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जो कंपोजिशन होता है वह क्या होता है हर जगह पे जब सेम होता है देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसको हम लोग जो है डेली लाइफ के बेसिस पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटा आसान सा है, इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया ये होमोजीनियस है, कैसे चेक करेंगे, अच्छे से हमने इसको घोल दिया, ठीक है, घोलने के बाद क्या हो एक स्ट्रिप हमने यहाँ लगा ली, एक स्ट्रिप हमने क्या की यहाँ पर लगा लिया है, एक हमने यहाँ लगा लिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करना है अपने को, ठीक है, इन सभी जगहों से क्या करते हैं इसको हम पी करके देखते हैं,
अगर तीनों जगहों पे या किसी भी जगह, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट से हम अगर इसको पी करके देखें और समान मिठास आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें जो स्वीटनेस है वो सोल्यूशन के ईच एंड एवरी पार्ट में सेम आ रहा है। सेम बेटा कब आएगा? जब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, तभी तो ईच एंड एवरी पार्ट में समान स्वीटनेस आएगी, समान मिठास आएगी। तो इस टाइप का सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस है। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ये भी कहते हैं सर यहाँ से पी करके, बहुत बच्चे होते ना कहते हैं सर यहाँ से इसको अगर जो है हम ड्रिंक करके देखें, पी करके देखें, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हम कहेंगे सर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसमें खोल करके यहाँ से हम स्ट्रिप लगा देते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ भी बेटा ये भी सही है, सिंपल सी बात है, यहाँ से भी ऐसे नहीं अच्छा लग रहा था बेटा ऐसे पी करके देख लेते हैं, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी पी करके देखिए अगर क्या है स्वीटनेस क्या है बेटा, अगर यहाँ से भी सेम आती है देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। आगे बात समझ में? इसका अपोजिट कर देंगे हेट्रोजीनियस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन, कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच इन इट्स ईच एंड एवरी पार्ट of the solution having same composition of the solvent and solute, then that type of solution is called as homogeneous solution. आगे बात सुनिए, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके ईच एंड एवरी पार्ट में सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है सेम हो, उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या किया ऐसा करके, यहाँ अभी ज़्यादा मिठास आ रही है, स्वीटनेस ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस। यानी कि जब एक ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह सोल्यूशन के ईच एंड एवरी पार्ट में नॉट बी सेम, यानी सेम नहीं रहता है, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहा जाता है। बेटा इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है ये? ठीक है, बढ़ा दें आगे इसको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं कि सर और सोल्यूशन को हम किस टाइप से जो है अपन डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें एक और अपने पास आएगा, एंड द बेस ऑफ दिस इज अमाउंट। बात करें सर अमाउंट के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, चलिए समझाते हैं, ठीक है। तो अमाउंट के बेसिस पे अगर हम बात करें सोल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो देखते हैं बेटा अमाउंट के बेसिस पे जो सोल्यूशन होते हैं अपने पास वो टोटल होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 5 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो अपने पास होता है, उसे कहते हैं डायल्यूट या डायल्यूटेड, ठीक है, शॉर्ट में इसको DIL लिखा जाता है। दिल नहीं है ये, DIL, ठीक है, यानी कि डायल्यूटेड, तनु है ये, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? तनु। दूसरा होता है क्या? कंसेंट्रेटेड। दूसरा क्या होता है? कंसेंट्रेटेड, शॉर्ट में CONC लिख करके डॉट कर देते हैं, कंसेंट्रेटेड। उसके बाद कौन सा होता है? सैचुरेटेड, संतृप्त और अनसैचुरेटेड, और उसके बाद होता है सुपर सैचुरेटेड। ओके है, कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप्स के होते हैं बेटा। सबसे पहला कौन सा? डायल्यूटेड, ठीक है, या डायल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंसेंट्रेटेड, फिर होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बात करेंगे बेटा ये जो 5 आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस 5 टाइप को अपने को समझने के लिए या इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मैं एक बात तो पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा, ये जो चैप्टर अपना बेसिकली इट इज फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन मेनली। किसके लिए है ये याद रखेंगे, ये जो चैप्टर है अपना ये किसके लिए, इसमें आगे चल के हम लोग हेनरी लॉ, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो है कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि ये जो है बेटा ये क्या है अभी जो है जैसे अब पढ़ाया जाता है तो इस समय क्या है कि सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, सोल्यूशन एक अलग चैप्टर था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग चैप्टर थी, तो अभी क्या है सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स करके दे दिया है। बहुत बार जैसे आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं या और बच्चे सॉल्व करते हैं, कहते हैं सोल्यूशन नाम का सर चैप्टर ही नहीं मिल रहा है, उसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप देखिएगा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का एक चैप्टर दिया होगा। ओके है,
जैसे जो है कुछ बच्चे जैसे जेई का, नीट का या ऐसे अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि देखते हैं, कहते हैं सर सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी ये मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें, तो बेसिकली अपना चैप्टर किस पर बेस्ड है, डायल्यूट सोल्यूशन पर बेस्ड है। डायल्यूट मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा ये सब अभी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा ये सब समझने के लिए, जैसे कि मैं इतने समय से, ठीक है, इसमें मैं बार बार शरबत बना रहा हूँ, मैं बार बार चीनी पानी को ले रहा हूँ, उसके पीछे बेटा रीज़न है। रीज़न ये है कि सिंपल सी बात है बेटा, ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली लाइफ में सभी बच्चों ने यूज की होगी, इसको सभी ने सोल्यूशन बनाया होगा, सभी ने शरबत जरूर बनाया, शरबत सिकंजी सब ने बनाया होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इस वजह से मैं इसको बार बार एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सोल्यूशन होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे, एक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज द सोल्यूट, ओके है। तो इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ, आप ये याद रखिएगा कि बेटा जो अपने पास सोल्यूशन है वो है शरबत, क्या है, शरबत है, ठीक है। सिकंजी नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि अपन दो ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, शरबत लिख दिया, सॉल्वेंट है तो इसमें जानते हैं आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ साफ साफ लैंग्वेज में पानी, ठीक है, प्लस कर देते हैं इसमें क्या, चीनी, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस इसको समझ लेना है आपको। शरबत मीन्स क्या है, पानी प्लस चीनी। सॉल्वेंट क्या है, जो घोलेगा, पानी। और सोल्यूट क्या है, जो घुलेगा या जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, चीनी। कल इस पर भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डाइल्यूट की, तनु विलयन। इसे तनु है, सांद्र है, ये संतृप्त, ये असंतृप्त और ये क्या है, अति संतृप्त है, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो बात करेंगे इसके सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। इसको अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके जो है सभी को जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा केवल इसी से, ठीक है। बैठा ले दिमाग में, सोल्यूशन यानी शरबत, सॉल्वेंट यानी पानी, सोल्यूट यानी कि चीनी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमको ये बताना है सर डायल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। डायल्यूट मतलब क्या होता है बेटा, बहुत हल्का, तनु हो, है ना, जो क्या हो, बहुत तन हो, हल्का हो, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, उतने गाढ़ा जैसे शहद होता है, एक शरबत हो गया है कि नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तो क्या करेंगे, ठीक है, अपने को तनु बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, ठीक है। तो डाइल्यूट के लिए क्या, अच्छा डाइल्यूट बनाना है तो क्या करेंगे, क्या उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल देंगे, क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा नहीं करेंगे, क्या करना है, अगर डाइल्यूट बनाना, हल्का बनाना, तो क्या करेंगे, चीनी कम पानी ज़्यादा, आगे बस हमें क्या करेंगे, चीनी कम पानी ज्यादा, यानी एक टाइप का ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, दोस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल बिकम्स प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सोल्यूशन। आसान है, एक ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सोल्यूशन। आसान है, उसे तन विलयन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड यानी बेटा क्या है, चाशनी, चाशनी की बात कर लेते हैं ना, गाढ़ा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेटा चीनी ज्यादा होता है और पानी क्या होता है, कम होता है, समझ रहे हैं, चीनी क्या है, चीनी ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, अब आप कहोगे सर जो, तो सोल्यूट पार्टिकल जब ज्यादा हो जाएगा, कहेंगे कि सर सोल्यूट पार्टिकल, हम यहाँ सोल्यूट इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम पानी और चीनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली पानी को क्या लिया जाता है, सॉल्वेंट, तो हम यहाँ ये कहेंगे कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, चीनी जैसे ज्यादा, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, सोल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी पानी कम चीनी ज्यादा, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं सांद्र विलयन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो अवयवों का एक ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय होता है, विलेय सोल्यूट यानी कि विलेय, विलेय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, आपके सांद्र विलयन कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसको। अब बात करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड।
ठीक है, हिंदी बता दी मैंने, सैचुरेटेड संतृप्त, अनसैचुरेटेड असंतृप्त, और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त। ठीक है, देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान बेटा। आप सभी ने के घर में देखा होगा जो है कि वो गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाने में क्या करते हैं हम लोग, चाशनी का यूज करते हैं, सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कोई सर जो है चाशनी तो हमने आज तक देखी ही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बेटा किसकी, चाशनी की, है कि नहीं बेटा। चाशनी जो होता है वो भी इसी से बना होता है, पानी प्लस चीनी होता है। हाँ, कुछ लोग जो है ज़्यादा टेस्टी जो है बनाने के लिए जो है कि चीनी में और थोड़ा टेस्ट है, हम जो गुलाब जामुन में उसमें और टेस्ट है तो उसमें इलायची भी डाल दी जाती है। ठीक है, वो अपने अपने जगह पे है, हम यहाँ दूसरी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री क्लास चल रही है ना, तो उसमें सर शरबत बनवा रहे हैं, चाशनी बनवा रहे हैं, बस यहीं पर अभी आप पूरा समझ जाओगे कि यहाँ हम लोग शरबत चाशनी नहीं बना रहे हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बेटा। अब चलिए इसको मैं समझाता हूँ। अगर हम चाशनी का एग्जाम्पल ले लें तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, इजी इन दिस वे दैट अब जैसे अपने को क्या समझना है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आसान है, संतृप्त क्या है? कहेंगे एक अच्छी चाशनी, एक जो अच्छी चाशनी होती है जिसे हम अच्छा मानते हैं, ठीक है, तो एक अच्छी चाशनी की ये परफेक्ट है बेटा, वही क्या है, सैचुरेटेड। अब बात करते हैं सर डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। अब ये तो लिखेंगे नहीं सर अच्छी चाशनी ये क्या है, संतृप्त है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें हम एक अच्छी चाशनी है तो क्या आप चीनी या पानी कुछ बढ़ाओगे क्या, बेटा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा ये बेसिकली डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है तो ये दोनों जरूर मिलेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर बेसिकली इसके जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो किस पर बेस्ड होता है, सॉल्यूट पर, किस पर बेस्ड होता है, सॉल्यूट पर, याद रखेंगे, ले रहिए सॉल्यूट, यानी कि सिंपल सा हम फोकस किस पे करेंगे, बार बार सॉल्यूट पर। ठीक है, यानी कि एक अच्छी चाशनी है तो उसमें पानी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की, कि हम जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल को और ऐड नहीं कर सकते, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार बोल देता हूँ क्या है डेफिनेशन। ठीक है, कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट बी एक्सीडेड, यानी जिनको बढ़ाया नहीं जा सकता, कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ये, आगे बात समझ में ओके है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त क्या होता है। ठीक है, अब जैसे चाशनी बेटा बनने वाली है, बस तैयार होने वाली है, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि या तो हम गैस को तेज कर दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें कि वो गाढ़ी नहीं हो रही, हम उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अनसैचुरेटेड, बस चाशनी बनने वाली है, उसके थोड़ी देर पहले हमको लगा कि हमको इसमें और चीनी बढ़ा देनी चाहिए, तो हमने क्या किया, उसमें चीनी बढ़ा दी। चीनी क्या है, सॉल्यूट, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ाया, क्या करेगा, बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ा, नॉट बी एक्सीडेड, हम इसमें बढ़ा नहीं सकते, सैचुरेटेड में सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं। आगे बस समझ में आसान है। ठीक है, यानी कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी एडेड, इसमें कर सकते हैं, कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर सके, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, हिंदी में बोल देता हूँ कि एक ऐसा विलयन, दो या दो से अधिक अवयवों का एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब मैं समझा देता हूँ शिशु को कि बेटा ये जो शरबत और चाशनी बनाना, इसका क्या खेल है। अब आप लोग कहोगे कि सर जैसे हमने चाशनी बना ली, ठीक है, आपने बोला सर कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, चीनी को उसमें ऐड नहीं कर सकते, सॉल्यूट बढ़ाया नहीं जा सकता, तो वही क्या सैचुरेटेड है। सर दो चार टुकड़े होते ना चीनी के, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कहें सर जो है चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मान लीजिए ये है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ऐसे चीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना बेटा। ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये सब जो चल रहा है बेटा, ये क्या है बेटा, ये केमिस्ट्री है, केमिकल्स की बात हो रही है, समझ रहे हैं क्या इस चीज को। यहाँ क्या, यहाँ चीनी चाशनी नहीं बनाई जा रही है बेटा, केमिकल्स हैं,
हमने बोल दिया कि एक सोल्यूशन बनाना है, उसमें 50% आपको 50 ml ले लेना है उसमें H2SO4। मैंने बोला इसमें 25 ml लेना है क्या HCl ले लेना है, समझ रहे हैं। मैंने बोला इनका एक मिक्सचर बनाना है तो ये चीज़ तैयार हो जाएगी। अब पता चले आपने बेटा इन दोनों के अमाउंट में जैसे ही आप चेंज करोगे, थोड़ा सा चेंज कर, मैं बोलता हूँ 1-2 ml भी चेंज कर दोगे तो सोल्यूशन बेटा ख़राब हो जाएगा, समझ गए। इसलिए हम 1 ml भी नहीं बढ़ा सकते, आ रही बात समझ में, 1 ml एक छोटा सा भी हम नहीं बढ़ा सकते, ये आगे बात समझ में। यहाँ चीनी चाशनी की बात, यहाँ किसकी बात हो रही बेटा, केमिकल्स की बात हो रही है, किसकी बात है, केमिकल्स की बात है कि दो चीज़ों या दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमने उनको मिलाया, वो केमिकल्स हैं उनको मिला रहे हैं। अगर हम केमिकल को नहीं बढ़ा सकते तो क्या है, केमिकल में कौन सा जो सल्यूट पार्टिकल है उसका, हम सल्यूट को उस केमिकल में जो सल्यूट जैसा वर्क कर रहा है उसको हम नहीं बढ़ा सकते तो क्या है। जैसे हमने बोल दिया, मैंने बोला 80% डाइल्यूटेड H2SO4, बेटा इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये 80% है तो 80% इसमें वाटर है और 20% क्या है, वाटर है। अभी हमने वाटर को ज़्यादा कर दिया तो हम 80% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हम नहीं कह सकते उसको, हमने एक सोल्यूशन हमने क्या किया, जैसे ये बोतल है, क्लियर है। मैंने बोला कि ये जो बोतल है इसमें क्या है 80% डाइल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेटा इसमें 20% ही H2O होना चाहिए। अभी हमने 21 कर दिया इसको, तो बेटा ये सिंपल सी बात है ये 80 नहीं रह जाएगा, ये 79 हो जाएगा, यानी हमारा सोल्यूशन क्या है, अब हम इसको 80% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह सकते, यानी हम थोड़ा सा 1 ml भी नहीं बढ़ा सकते। आगे बात समझ में क्लियर है, जिसमें नहीं बढ़ा सकते हैं वो क्या है सैचुरेटेड, जिसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं वो क्या है अनसैचुरेटेड। समझाया कैसे कि जो सैचुरेटेड है मान लेंगे क्या है वो, वह एक क्या है अच्छा सा जो है बस अच्छी चाशनी क्या है सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड क्या है बस चाशनी बनने वाली उसमें हम थोड़ा सा और चीनी मिला सकते हो क्या है अनसैचुरेटेड है, क्लियर है ये। अब बात करेंगे सर सुपर सैचुरेटेड की, ठीक है कि सर ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है चलिए। बेटा ये आपने देखा होगा कि एक बहुत गाढ़ी चाशनी होती है, इतनी ज़्यादा गाढ़ी होती है कि अगर हम उसमें ऊपर से चीनी के टुकड़े डालें, समझ रहे हैं, अगर उसमें चीनी के टुकड़े डाल दिए जाएं तो बेटा उसमें चीनी के टुकड़े ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे। देखा होगा ऐसा सोल्यूशन आपने, ऊपर ऐसे गिराएंगे ना तो उसमें क्या होता है, ये सोल्यूशन है अपना, इस सोल्यूशन की सरफेस है, हम क्या करें चीनी के टुकड़े ये तो इसके ऊपर ही ऐसे रह जाते हैं, इसके टुकड़े ऐसे ऊपर ही रह जाएंगे। यानी बहुत गाढ़ी चाशनी जो होती है उसे क्या कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, हम क्या बढ़ा नहीं सकते, हम क्या नहीं बढ़ा सकते उसमें सल्यूट नहीं बढ़ा सकते। तो आप कहोगे सर अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें तो इस हिसाब से सर जो है नहीं तो ये एक सैचुरेटेड हो गया, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, ठीक है ऐसा सोल्यूशन हम इसको ऐसे नहीं डिफाइन करते, हम क्या करेंगे ये सुपर सैचुरेटेड, ध्यान से किए सैचुरेटेड का क्या है, सैचुरेटेड अच्छी चाशनी थी, कहता है सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी चाशनी यानी बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है। आगे बात समझे, तो हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको चेंज कर देंगे किसमें सैचुरेटेड में, बन गए डिफिनेशन, क्या लिखोगे, ठीक है सिंपल सी बात है, कहेंगे एक ऐसा सोल्यूशन, क्या कहेंगे एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होता है सल्यूट पार्टिकल को रिमूव करके, विलेय पदार्थ की मात्रा को रिमूव करके, सल्यूट पार्टिकल को रिमूव करके जो है, या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल को ऐड करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जा सके, देन दैट टाइप सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आगे बस ये बहुत गाढ़ी चाशनी, उसमें हम दो तरीके से उसको अच्छी चाशनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम उसे से चीनी निकाल लें या फिर पानी मिला दें। अब आप कहोगे सर चीनी कैसे निकाल लेंगे, तो मैंने अभी समझाया बेटा हम यहाँ चाशनी नहीं बना रहे हैं, ठीक है ये केमिकल सी बात है, उनको जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और भी चीज़ें होती हैं वहाँ आपको क्रोमेटोग्राफी होती है, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कैसे ये किया जाता है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है सुपर सैचुरेटेड, समझ में आया, हिंदी में बोलते अपसंधि क्या होता है, एक ऐसा विलयन, ठीक है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को निकाल कर या फिर विलायक पदार्थ की मात्रा को या विलायक पदार्थ को ऐड करके उसमें डाल कर क्या करते हैं उसको जो है संतृप्त विलयन बनाया जा सके, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ये, ठीक। तो ये हो गया आपका अमाउंट के बेसिस पे सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं अब, ठीक है अब हम लोग बात करेंगे, ठीक, फिजिकल स्टेट की। बेटा फिजिकल स्टेट पर भी होता है, फिजिकल स्टेट कह सकते हैं या फिर मिक्सचर पे कह सकते हैं,
जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है बेटा, वो कौन डिसाइड करता है? आपका सॉल्वेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट। 50% वाला मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद करिए, ठीक है, ये सॉल्वेंट। तो बात करेंगे फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर देखा जाए बेटा, जो सॉल्यूशन होता है वह जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम कह सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको कर देता हूँ। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन, एक कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन, और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। एक कौन सा होता है? सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, द्रव विलयन और गैसियस सॉल्यूशन है कि गैसीय विलयन, ये भी तीन होते हैं। लेकिन तो ये जो सॉलिड है, कोई भी सॉल्यूशन, अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सॉल्वेंट क्या लेना है अपने को? सॉलिड लेना है। ये कुछ भी हो सकता है, इस सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड में रहेगा। जो सॉल्यूट है वह सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो गैसियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन में क्या है बेटा? गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट किस में रहे? गैस में रहे। और जो सॉल्यूट है वह सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका एक नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हम जो है वाटर, अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर हम वाटर और ऑयल को मिक्स कर दें तो उस क्या वह एक सोल्यूशन कहलाएगा, मिलेगा, ठीक है बेटा। दरअसल ये वाला जो पार्ट अपना फिजिकल स्टेट वाला, ठीक है, तो ये जो मैं अभी थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करूंगा, इसको अपन बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री करके है, जो पृष्ठ रसायन करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बेटा इमल्सन कहा जाता है, ठीक है, और इस चीज़ को आप अभी जो है समझ जाएंगे कि होता क्या है। तो जैसे मैंने बोला सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन है तो ये दो चीज़ों से मिलकर बन सकती, इसमें क्या होगा, एक तो होगा बेटा सॉल्वेंट और एक क्या होगा सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा। और यहाँ पर जब सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलेगा तो यहाँ पर बेटा एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। वहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा, जब इनको मिलाएंगे फिजिकल स्टेट में, तो एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका एक नाम होता है। तो कैसे बेटा, देखें सॉल्वेंट, अगर हमने बात की सॉलिड सॉल्यूशन की, तो पक्का फिक्स है कि सॉल्वेंट हमेशा किस में रहेगा बेटा? ये हमेशा सॉलिड में, एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा सॉलिड रहेगा। बट ये जो सॉल्यूट है, ये में भी ये सॉलिड हो सकता है, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लिक्विड हो सकता है, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये गैस हो सकता है, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, अगर हमने क्या किया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों को, दोनों सॉलिड हैं, ठीक है, तो इसे जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी दोनों के दोनों जब हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होगा, दोनों सॉलिड स्टेट में है, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉलिड सॉल्व। इसे क्या कहते हैं बेटा? सॉलिड सॉल्व कहते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे, ये जितना भी वर्क करवाया जा रहा है इसकी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। लेक्चर्स को अच्छे से देखें और समझें इसको, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्व कहा जाएगा, ओके है, ठीक। अगर हमने क्या किया, सॉल्वेंट सॉलिड में है और जो सॉल्यूट है वह लिक्विड में हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? ये सॉलिड है और ये कैसा है? लिक्विड है। अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो उसे सॉल्व कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसे? सॉल्व नाम दिया जाता है। क्या कहेंगे इसको? सॉल्व, ठीक है। और अगर क्या हो, सॉल्वेंट है सॉलिड और सॉल्यूट क्या है? गैस फेज में हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एरोसॉल। क्या कहते हैं इसको? वायुसॉल कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल, ठीक है। किसका? सॉलिड का एरोसॉल। किसका है ये? सॉलिड का एरोसॉल है। सेम केस इसमें भी आता है बेटा, लिक्विड में भी होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या है, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, लिक्विड, बात करें लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन, सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट अरे कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट यानी फिक्स है कि बेटा लिक्विड सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट बार बार किस में हो? लिक्विड में हो। आगे बात समझें, बट जो सॉल्यूट है इट कैन बी चेंज। सॉल्यूट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है, यानी ये सॉलिड, ये लिक्विड या गैस में हो सकता है। सर हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो बनेगा सर उसका क्या नाम होगा? ठीक है बेटा, ये नाम होगा, अगर हम लिक्विड, अगर क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड है और जो सॉल्यूट है हमारा वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है जेल।
क्या कहते हैं उसको, जेल। वो हेयर में लगाया जाता है वही वाला जेल है ये, ठीक, उसे क्या कहेंगे, जेल कहा जाएगा। अगर लिक्विड और लिक्विड है यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जो बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर अगर हम वाटर और ऑयल को मिला दें तो क्या उसको हम एक सोल्यूशन कहेंगे, बेटा बिल्कुल कहेंगे उसे। और अगर क्योंकि दोनों ही लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, इन दोनों को हम जैसे मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे कहा जाता है इमल्शन। उसे क्या कहेंगे, इमल्शन कहा जाता है। हिंदी में इसे पायस कहते हैं। मिक्स नहीं होगा क्योंकि दोनों लेयर बना लेते हैं, इसलिए हम उसमें एक इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे पायसी कर्मक कहा जाता है वो मिलाते हैं। जैसे डेली यूज में जैसे आप आइसक्रीम हो गया, दूध हो गया, ठीक है, मिल्क है, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, इसमें वाटर भी होता है, ऑयल भी होता है, उसके बाद भी जो है ये अलग थोड़ी होते हैं, सब एक साथ मिक्स होते हैं, उसमें क्या होता है इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है। अगर क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगर लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, गैस है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी एरोसॉल नाम देते हैं। क्या कहेंगे इसको, एरोसॉल, इसे एरोसॉल नाम दिया जाएगा। और लेकिन ये भी एरोसॉल है, ये भी, ये किसका था, ये सॉलिड का एरोसॉल है, और ये किसका एरोसॉल है, ये लिक्विड का एरोसॉल है, ओके है। अब आते हैं लास्ट केस पे कि सर अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात है सॉल्वेंट क्या होगा, बेटा ये भी गैस और ये भी गैस ले लिया मैंने, ठीक है, बट जो सॉल्यूट है इट कैन बी चेंज, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्या है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या है गैस और जो सॉल्यूट है वो क्या है सॉलिड है, ठीक है, तो वो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे आपने देखा होगा फोम, उसे नाम देते हैं फोम। आपने देखा होगा कि जो बाइक के सीट कवर होते हैं, कार के सीट कवर होते हैं, घर में जो सोफे होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है सॉलिड में है। अब सॉलिड के अंदर क्या भरा होता है, गैस भरा होता है, वही हम क्या कहते हैं फोम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे फोम कहते हैं, ठीक है। अब जो अगर क्या है, अगर लिक्विड है, अगर सॉल्यूट अपना क्या है लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है गैस है, तो उसे कहते हैं फ्रोथ, झाग देखा होगा फ्रोथ, ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा उसे फ्रोथ कहते हैं, झाग देखा हो, झाग में क्या होता है लिक्विड रहता है और लिक्विड के अंदर क्या बनने लगता है गैस बनने लगती है, तो देखोगे बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, घर में कपड़े उपड़े साफ करते बबल्स बनते हैं, तो उसमें क्या होता है लिक्विड के साथ क्या आ जाता है गैस आ जाता है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा फ्रोथ यानी कि झाग कहा जाता है। जब हम दो गैस को मिलाते हैं, बेटा इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसे हम गैसियस सॉल्यूशन ही कहते हैं, इसे क्या कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन ही कहा जाता है। उसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं कि जैसे इनको भी मिक्स करना उतना आसान नहीं होता है दो गैसेस को, उसके लिए भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं जो थर्मो में पढ़ाई जाती है, क्योंकि बेटा दो चीजें मिलेंगी तो ही दो चीज को मिक्स करना है, तो उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं कि वह जो है जब दोनों क्या हो एक्सटेंसिव हो या दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो ही हम उनको मिक्स कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है सॉल्यूशन, तो हमको दो चीजों को मिक्स करना ही पड़ेगा, इसलिए हमको ये जरूर समझना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये यहां तक अपना लेक्चर रहा, इसके बाद जो अपना लेक्चर है वो बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि वह जो है आपका आयनिक केमिकल, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके बाद और भी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गए, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इन सबको कोरिलेट करता है, वो अपना टॉपिक रहेगा, अपना कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगे उसमें, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसी में हम क्या करेंगे दो को मिला करके समझाएंगे कि कौन से मिलाए जा सकते हैं और कौन से नहीं मिलाए जा सकते हैं। बस बेटा आज के लेक्चर जो है बस यहीं तक रहेगा, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।